27 साल भारत की सेना में रहकर भारत की सरहद को रक्षा करके 12 साल इस देश के लिए खेलों में अनेकों पदक जीतकर दोनों में भारत का तिरंगा अपनी छाती पर भी और देश और दुनिया में लहराया। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा करने का लोकसभा में मुझे अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। अब इतने साल बाद अपनी कर्म भूमि पर आने का मुझे मौका मिला है। राजस्थान मातृभूमि है, कर्म भूमि प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर अब बन गई है और अपने एक एक खून के कतरे से, एक एक सांस से इस कर्म भूमि में ऐसी सेवा करनी है जैसी झोटवाड़ा में आज तक नहीं हुई। ये मेरा संकल्प है, ये एक भारतीय सैनिक का संकल्प है, ये भारत के ओलंपिक पदक विजेता का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टीम के सदस्य का संकल्प है और मेरा संकल्प आज भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद भी दे दिया है। मेरे चेहरे पर वहां पर एक मुस्कुराहट थी पूरे समय और वो मुस्कुराहट इसीलिए थी कि भगवान भोलेनाथ जानता है कि झोटवाड़ा में और राजस्थान में, इस पूरे देश में किस तरह से आगे अगले 25 साल के अंदर प्रगति होने वाली है। जो अमृत काल है, आप और मैं और अनेकों नौजवान उसको देखेंगे, उसको जिएंगे, उसको महसूस करेंगे और हम सबके प्रयास से हमारा घर, हमारी कॉलोनी, हमारा समाज, ये पूरा विधानसभा, पूरी की पूरी लोकसभा, देश के अंदर हर तरह से प्रगति होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प। आपके सामने सर, आपने सेना की बात करी, इसराइल फलस्तीन में हिंदुस्तान डिवाइड होता है, ओवैसी भी जो है फलस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे हैं। सेना की बात करी आपने, आज इसराइल फलस्तीन की जो युद्ध चल रहा है, ओवैसी जो है वो फलस्तीन के बारे में बोलते हैं, हिंदुस्तान जो है वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, सर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान डिवाइड नहीं हो रहा, हिंदुस्तान की आवाज तो एक ही है। हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुस्तान की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो सबका साथ और सबका विश्वास है उसको कहीं भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं होगा। हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान के चुनाव जब होते हैं उस चुनाव में बुलंद होती है और 25 नवंबर को राजस्थान की जो आवाज है वो बुलंदी से पूरे देश और दुनिया को सुनाई देगी। सर, कांग्रेस ने 3 राज्यों में आज लिस्ट निकाला, मैदान में हम खड़े हैं, प्रतिद्वंदी मैदान में उतरने से घबरा रहा है।